उत्तराखंड त्रासदी में शिमला के लापता लोगों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। ये सूचना मिलते ही प्रदेश से इनके परिजन उत्तराखंड रवाना हो गए थे। अब प्रदेश सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रेवेन्यू जल्द ही उत्तराखंड होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वहां पर परिजनों की व्यवस्था और प्रदेश की तरफ से मौके पर क्या कुछ सहायता की जा सकती है, इसके लिए हम एक अधिकारी को उत्तराखंड भेज रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार से संपर्क में है। मेरी मुख्यमंत्री से बात हो रही है कि प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि दबे लोगों के परिजन जो यहां से उत्तराखंड पहुंचे हैं उनकी व्यवस्था ठीक से हो। इसके अलावा राहत और बचाव कार्यों में किस प्रकार सहायता की जा सकती है ये भी देखा जाएगा। प्रदेश के जो 10 लोगों में से 5 लोग रामपुर के किन्नू पंचायत जबकि 2 लोग सिंगला पंचायत के हैं। सिंगला पंचायत के पवन और राकेश की उम्र 30 साल के आसपास है। एक व्यक्ति पालमपुर का है और एक व्यक्ति पांडवा का जीत सिंह ठाकुर, एक मंडी जिला के करसोक तहसील का गुरमीत वर्मा लापता बताया जा रहा है। त्रासदी के बाद से इन लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजभ्य आरडी धीमान ने कहा कि सरकार के पास लापता हुए 10 लोगों की जानकारी पहुंच चुकी है। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 36 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं अभी भी करीब 170 लोग लापता हैं। तपोवन की सुरंग में भी 35 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनके बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ सेना और एसडीआरएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। मदद करने की बात, क्योंकि अभी तो केंद्र सरकार पूरी उनके सारे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, सारे कामकाज को लेकर के, सारे ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के मदद कर रहा है, लेकिन जहां इस तरह की ये सारी चीज को लेकर के मदद करने की बात है तो हिमाचल तो उत्तराखंड के साथ है। थैंक यू। अभी तक जो जानकारी मिली है तो उसमें हिमाचल प्रदेश के 10 लोगों की सूचना हमको प्राप्त हुई है कि 10 लोग फंसे हुए हैं, ऐसा कहा गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू की ड्यूटी लगाई है, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ में उनके परिवारजनों को वहाँ पर ठीक प्रकार से रहने की व्यवस्था, जो गए हैं वहाँ पर सारी इस त्रासदी के बाद, तो उनके लिए वहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए, मदद करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, वहाँ का प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, लेकिन हिमाचल से भी हम एक अधिकारी को इस सारी चीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन से जिम्मेदार।